नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल एजुकेशन संजय पॉइंट पर। आज हम लोग कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर टू है, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन थी? इसका सही आंसर है फोरट्रॉन। क्वेश्चन नंबर थ्री है, सी, बेसिक, कोबोल और जावा किस भाषा के उदाहरण हैं, उसे कहते हैं? इसका सही आंसर है ए, हाई लेवल लैंग्वेज का। फोर है, कंप्यूटर भाषा फोरट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? इसका सही आंसर है ये विज्ञान क्षेत्र में उपयोगी है। नेक्स्ट है, डीवीडी किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है डीवीडी। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है? इसका सही आंसर है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में इसका उपयोग हुआ है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है वार्म बूटिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर एट है, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है? इसका सही आंसर है जावा। क्वेश्चन नंबर नाइन है, क्रे क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर टेन है, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? इसका सही आंसर है UPS। क्वेश्चन नंबर इलेवन है, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? इसका सही आंसर है फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। और ट्वेल्व है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है। क्वेश्चन नंबर थर्टीन है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही आंसर है कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? इसका सही आंसर है माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ श्रेणी का कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है बार कोड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? इसका सही आंसर है इसका सामान्य नाम मोडेम है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है? इसका सही आंसर है वर्कशीट का संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, ओरेकल क्या है? ओरेकल इसका सही आंसर है ओरेकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है, पास्कल क्या है? इसका सही आंसर है पास्कल कंप्यूटर की एक भाषा है। अगला क्वेश्चन है, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है उसे टर्मिनल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है फ्लैश डिवाइस का प्रयोग सेल फोनों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? इसका सही आंसर है प्रिंटेड आउटपुट। अगला क्वेश्चन है, EDP क्या है? इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग EDP को कहते हैं। और है, वे एड्रेस जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग होती अलग रखा है? इसका सही आंसर है रिजर्व्ड एड्रेस। अगला क्वेश्चन है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं? इसका सही आंसर है डाटाबेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्क को ट्रंकों को सेक्टर में विभाजित करने का प्रक्रिया क्या है? इसका सही आंसर है फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है? अर्पानेट विश्व के प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? इसका वो हम सिस्टम बस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है? इसका सही आंसर है वेब सर्वर्स में इसका उपयोग लाई जाती है। क्वेश्चन है, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? इसका स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है .xls। अगला क्वेश्चन है, रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटर्न करने के लिए इसे
सतत पावर सप्लाई की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? इसका सही आंसर है प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नाम ईमेल के दो पते का भाग है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? इसका सही आंसर है डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभावनाएं हैं कि इसमें वायरस उस नेटवर्क को टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्वितीय कड़िया है? इसका सही आंसर है मेस है। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा थी, ये सर्वप्रथम भाषा फोरट्रॉन थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? इसका सही आंसर है DOC, वर्ल्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है? इसका सही आंसर है सी ब्रेन भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। नंबर 39, वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है मदरबोर्ड उसको हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जंक ईमेल को क्या कहते हैं? जंक ईमेल को हम लोग स्पैम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? इसका सही आंसर है कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर के डिजाइन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ALU का पूरा नाम क्या होता है? इसका ALU का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन है, गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। नंबर 44, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझाता है क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है मशीनी भाषा उसको हम कहते हैं। नंबर 45, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है किसको? इसका सही आंसर है माउस को पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, लिनक्स एक उदाहरण है? इसका सही आंसर है लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन नंबर 47, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर है ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 48, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? इसको हम सर्किट बोर्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है? इसका सही आंसर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? इसका सही आंसर है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को सिस्टम नियंत्रित करता है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन जरूर दबाएं।